हाय फ्रेंड्स, आई एम सॉरी मैं लास्ट वीक आ नहीं पाई, लेकिन आज हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। आज की कहानी में आप बैठकर सुनोगे नहीं, जो जो मैं आपको बताऊंगी वो सब आपको करना पड़ेगा। तो कहानी शुरू करें। एक बार एक जंगल था। चलो अब जंगल बनाओ, ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं ना जंगल में, तरह तरह के, ऐसे ऐसे। चलो चलो पेड़ बनो, तभी जंगल बनेगा। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कौन कौन से जानवर थे? एक बहुत बड़ा हाथी और उसके भाई बहन, बहुत सारे हाथी। और उस जंगल में थे हिरन, हिरन बनो ऐसे। और उस जंगल में था शेर, शेर उन सबको खा जाता था, वो उस जंगल का राजा था। और उस जंगल में छोटे छोटे खरगोश भी थे। खरगोश कैसे चलते थे? फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, ऐसे चलते थे। और उस जंगल में बहुत सारे कौवे थे। कौवे कैसे चलते हैं? चलते नहीं हैं, कौवे उड़ते हैं, काव काव काव। सारे बच्चे काव काव करो और कौवा बनो। जो मैं बोलती जाऊंगी आपको वही बनना पड़ेगा आज, ठीक है? अच्छा, वो जो शेर था वो सारे जानवरों को खाने की कोशिश करता था, उसे बहुत भूख लगती थी। एक बार उन सारे जानवरों ने आपस में मीटिंग बुलाई और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हम कब तक डरते रहेंगे, हम क्यों ना ऐसा करें, हम सब रोज मजे से घूमें और एक एक जानवर हर रोज शेर का शिकार करे, शिकार बन जाएगा और वो अपने आप शेर के पास चला जाएगा। तो उन लोगों ने ये फैसला लिया। अब पहले दिन हाथी गया। हाथी कैसे चलता हुआ गया? और वो धीरे 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 शेर के पास गया और शेर ने उसे खा लिया। अगले दिन हिरन गया। टुक 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 टुक। अब ऐसे चलो, चलते चलते शेर के पास पहुंच गया और शेर ने उसे भी खा लिया। तीसरे दिन वहां से कुछ कुत्ते गए। कुत्ते कैसे करते? भौ 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 भौ। रास्ते में तो बहुत भौ भौ करते गए, लेकिन शेर के सामने जाते ही घबरा गए और शेर ने उनको भी खा लिया। अब चौथे दिन बारी आई खरगोश की। खरगोश पूरा रास्ता फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, फुदक फुदक के चलता रहा, लेकिन रास्ते में उसके दिमाग में एक बात आई तो वो बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगा। वो फुदक फुदक के नहीं चल रहा था, धीरे 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 चल रहा था। करते करते उसने शाम कर दी। अब शेर वहां पर गुस्से में भरा बैठा था और वो कहता, खरगोश एक तो तू वैसे ही छोटा सा है जो बहुत तेज भूख लगी है और ऊपर से तू शाम को आया है, मैं भूखा हूं, मैं तुझे खा जाऊंगा जल्दी से। और खरगोश कहता, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सब लोग करो, कैसे करते हैं? महाराज की जय हो, महाराज जंगल के राजा ने मुझे रोक लिया था। क्या कहा? मेरे होते हुए कोई और जंगल का राजा, मैं हूं इस जंगल का राजा। खरगोश कहता, नहीं महाराज, वहां पर एक और जंगल का राजा है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। अब खरगोश आगे आगे फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, और शेर उसके पीछे पीछे गुस्से में भरा हुआ। रास्ते में एक कुआं आया। कुआं बनाओ, ऐसे कुआं बनाओ। एक कुआं आया। शेर ने, खरगोश ने कहा, महाराज यही है उस जंगल के राजा का घर। शेर ने कुएं में झांका, ऐसे कुआं और कुएं में झांका। कौन है इसके अंदर? मैं हूं जंगल का राजा। अब
कुएं में से आवाज आई, कौन है इसके अंदर? मैं हूं जंगल का राजा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अभी बताता हूं। और शेर जो है वो कुएं में कूद गया। असल में हुआ क्या था कि उस कुएं में शेर जब झांक रहा था ना, तो उसको अपनी परछाई दिखाई दे रही थी और उसी की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा कि अंदर कोई और शेर है और ये खरगोश की चालाकी थी। अब देखो, खरगोश एकदम छोटा सा, शेर इतना बड़ा, लेकिन खरगोश ने अपने दिमाग से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से इतने बड़े शेर को हरा दिया। इसी तरह से जब मुसीबत आए तो हम अपनी अकलमंदी से बड़ी मुसीबत के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो जब शेर उसमें कूद गया, खरगोश ने उसमें हल्के से झांका, शेर तो मर गया है। और वो जंगल में गया, उसने सारे जानवरों को बताया कि चलो 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 चलो, देखो शेर मर गया, मैंने शेर को मार दिया, मैंने शेर को मार दिया। अब जंगल में सारे जानवरों ने एक उत्सव किया, पार्टी की, सब ने उसमें डांस किया। खरगोश ने कैसे डांस किया? फुदक फुदक के, फुदक फुदक के, फुदक फुदक के। और हाथी ने, और हिरन ने, सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे और बच्चों ने बजाई ताली। आपको पता है वो खरगोश कौन सा था? मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा वो खरगोश आया आपके पास।